हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है रेशम क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि यहीं पे आपको मिल जाएगी इग्नू से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। सारी इन्फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हैं तो आप इग्नू से डिग्री जल्दी ले पाएंगे। अगर आप सिंसियर नहीं हैं तो फिर आपको 3 साल की डिग्री के लिए न जाने कितने और साल लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है इग्नू में रिजल्ट लेना उतना आसान नहीं है अगर आप तैयारी सही से नहीं करते हो। इग्नू में आपको वैसे कोई डायरेक्शंस दी नहीं जाती हैं, ना ही ऐसे कोई क्लासेस होती हैं जिसके थ्रू आप अपनी तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपकी तैयारी में हमेशा से मददगार रहता है आपका एक बेस्ट गाइड यानी कि आपका हेल्प बुक। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ नीरज बुक्स की तरफ से, neerajbooks.com, जिसमें आपको मिल जाएंगे सारी बुक्स जो भी इग्नू से रिलेटेड है। वैसे स्टूडेंट जो अपने रिजल्ट को अच्छे से अच्छा बनाना चाहते हैं वो ज़रूर से ज़रूर परचेज करें। नीरज बुक्स की तरफ से स्पेशल ऑफर अभी चल रहा है, 50% का डिस्काउंट है इग्नू के कॉम्बो ऑफर में अगर आप मोर देन 500 की परचेजिंग करते हैं तो। इग्नू में नीरज बुक्स के अलावा NIS की बुक्स भी अवेलेबल है, मल्टीपल कोर्सेस के बुक्स यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के साथ साथ ही आपको मिल जाते हैं असाइनमेंट, सॉल्व असाइनमेंट, क्वेश्चंस पेपर जो कि फ्री। तो जरूर से जरूर विजिट कीजिए साइट पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है लिंक, अभी जाके ऑर्डर कीजिए ताकि आपके भविष्य में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो डिग्री लेने में। इग्नू की सारी अपडेट मैं हमेशा से आपको देते आई हूँ, उम्मीद है कि आप हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहेंगे। हर एक स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद एक ही चीज़ का वेट करता है, जो है आपका रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट जब तक आता है तब तक आप सोचते हैं कि आप पास हुए या फेल, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप रिजल्ट का वेट इसलिए करते हैं ताकि आपको कोई और इम्पॉर्टेंट काम है, यानी कि आपको उसके रिगार्डिंग जॉब चाहिए या फिर आप कहीं और वर्क में एंगेज होना चाहते हैं फ्री ऑफ माइंड के साथ। अगर आप ये जान लें कि आप पास हो गए हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप फेल हो गए हैं आपको लगता है तो आपके लिए फिर से टाइम मिल जाता है तैयारी करने का अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। तो 2023 के लिए पासिंग मार्क्स क्या है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है कि आप वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा सारी इन्फॉर्मेशंस के लिए। वैसे स्टूडेंट जो कि एग्जामिनेशंस देना चाह रहे हैं, देने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम, उन लोग के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। आप जिस चीज़ को देख रहे हैं ये है आपका रिजल्ट कार्ड यानी कि आपका ग्रेड कार्ड। ग्रेड कार्ड देखने के लिए आप ऑनलाइन इग्नू के अपने स्टेटस में जा सकते हैं, यानी कि आप अपने ग्रेड कार्ड को चेक करने के लिए रिजल्ट वाले टैब में आने के बाद ग्रेड कार्ड पर जाके चेक कर सकते हैं। फिलहाल मैं बात करने वाली हूँ लेटेस्ट एग्जामिनेशंस के बारे में, जिसकी यहाँ पे आप सबको रिजल्ट आ चुकी है। सबसे पहले बात करती हूँ एनुअल एग्जामिनेशंस यानी कि डिग्री, MCA और MCA यानी कि मास्टर्स और आपके बैचलर डिग्री के बारे में। तो आपका यहाँ पे टर्म एंड का रिजल्ट का स्टेटस आया है, नॉट कि आपका फाइनल रिजल्ट या ग्रेड कार्ड। आपको यहाँ से वही नंबर दिखेगा जो आपके पेपर में आपको मिला है। आप इस चीज़ को लेकर ये भी श्योरिटी रखिए कि जो मार्क्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे वही आपको फाइनल ग्रेड कार्ड में भी देखने को मिलेगा। लास्ट अपडेट आपकी 13 जुलाई 2023 को हुए थे, इसके बाद अब अगली अपडेट आपको मिलेगी 25 तारीख को देखने को, 25 या 24 इसी के बीच में आपको नेक्स्ट अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप सब उम्मीद है कि अपना स्टेटस अभी चेक कर रहे होंगे या फिर कर लिया होगा। जिनका भी स्टेटस यहाँ शो नहीं हो रहा आप प्लीज़ वेट कीजिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपका रिजल्ट जल्दी ही देखने को आपको मिलेगा। इसी के साथ मैं बात करना चाहती हूँ कि वैसे जो PhD वाले स्टूडेंट हैं उनका भी यहाँ पे नाम आ चुका है। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप PhD डिग्री के लिए सिलेक्टेड हैं। नेक्स्ट है आपके BEd इंट्रेंस के लिए। तो जिन लोगों ने BEd इंट्रेंस के लिए दिया था उनका काउंसलिंग के लिए यहाँ पे लिस्ट आ चुका है, आप उसे चेक कर सकते हैं। बात करती हूँ कि यहाँ पे वीडियो का टॉपिक ये है कि आखिर कितने मार्क्स में आप पास हैं। उम्मीद है कि आप सब अपना रिजल्ट चेक कर चुके होंगे। मैं आपको कुछ ग्रेड कार्ड दिखा देती हूँ जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्टेटस में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कंप्लीटेड, नॉट कंप्लीटेड। इस चीज़ के बारे में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि कंप्लीटेड और नॉन कंप्लीटेड होता कब है। देखिए इग्नू में अगर आपका प्रैक्टिकल पेपर नहीं है तो आपको असाइनमेंट और थ्योरी पेपर देना ही होगा। इसके बाद भी रिजल्ट कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि फुल मार्क्स नहीं जुड़ते, 30%
का विजिट जुड़ता है आपके थ्योरी पेपर में, लेकिन सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि आपको कितने मार्क्स लाने पे आप सिक्योर हैं, पास हैं। तो अगर आप इग्नू से 100 मार्क्स, अगर आपका पेपर 100 नंबर का है और आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, तो थ्योरी पेपर में आपको 35% मार्क्स लाना जरूरी है, यानी कि 100 का 35। अगर आप 35 नंबर ले आते हैं, यानी कि आप सिक्योर हैं, पास हैं। उसी तरीके से अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं और आपका 100 नंबर का पेपर है, तो आपको 40 नंबर लाना ज़रूरी है। यहाँ ध्यान रखने वाली बात और एक है कि वैसे स्टूडेंट जो ये सोचते हैं कि असाइनमेंट का मार्क्स नहीं जुड़ता, वो बिल्कुल भी गलतफहमी में है। आज सबको ये बता दूँ कि असाइनमेंट के अलग से मार्क्स जोड़े जाते हैं। असाइनमेंट का 35% आपका ऐड किया जाता है। अगर आप असाइनमेंट में असाइनमेंट में अगर आप 35% मार्क्स लाते हैं, तो ही आप असाइनमेंट में पास है, अदरवाइज आप असाइनमेंट में फेल हैं। अगर असाइनमेंट में आप फेल हो जाते हैं, फिर भी आपका जो रिजल्ट है वो नॉट कंप्लीटेड में ही आएगा। नेक्स्ट है, अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है और आप बैचलर डिग्री कर रहे हैं, तो आपको इसमें 27 नंबर लाना होगा। इसी के साथ साथ ही अगर बैचलर डिग्री में हैं और आपका पेपर 50 नंबर का है और आपको 18 नंबर आया है, तो आप पास हैं। ये मिनिमम मार्क्स है। मिनिमम मार्क्स से ज़्यादा आप ला सकते हैं, लेकिन मिनिमम मार्क्स अगर आपके पास है तो आप पास हैं। यहाँ पे इस वीडियो को देखने का फ़ायदा और एक होगा आप सबके लिए कि जब आप पास हो जाते हैं, उसके बाद आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई नहीं करना होगा, तो ये भी एक बेनिफिट है। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप 50 नंबर का पेपर दे रहे हैं और आपका मास्टर डिग्री का प्रोग्राम है, तो आपको इसमें से 20 मार्क्स सिक्योर करने होंगे। 25 नंबर का पेपर है तो आपको इसमें बैचलर डिग्री के लिए 9 मार्क्स। और अगर हम बात करते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट, अगर आप इग्नू से कोई भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको थ्योरी एग्जाम एंड असाइनमेंट में पास होने के लिए आपको कितना मार्क्स लाना होगा, इसके लिए आपको अपना प्रोग्राम गाइड चेक करना होगा। जो इग्नू की तरफ से आपको प्रोग्राम गाइड दिया जाता है, उसी में जाके चेक कीजिए, क्योंकि डिप्लोमा सर्टिफिकेट के अलग अलग मार्क्स होते हैं और उसकी क्राइटेरिया भी अलग होती है। BCA MCA के पासिंग मार्क्स की बात कर ले, तो अगर आप BCA MCA का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो 100 में से 40, 50 में से 20 आपको मार्क्स सिक्योर करने होंगे। उसी की तरह आपको यहाँ पे बता दूँ कि असाइनमेंट के मार्क्स कितने होते हैं। जैसे कि मैंने कहा था 35% यानी कि 35 नंबर, और अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हैं तो आपको 40% यानी 40 नंबर लाने होंगे। उम्मीद है कि आप ये ज़रूर चेक कर पाएंगे कि आप पास हैं या फेल, और आप अपने आगे की प्लानिंग कर सकते हो। उम्मीद है कि आप इसी तरह हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।